ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदये नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलरतं वाग्ममृतं जगत् प्रेमती विश्वसर्गसर्गादि नवलक्षणलक्षतं श्रीकृष्णाक्षं परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं पराकोपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणलता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानलम्बितभुजौ कनकावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये उल्लल्लवल्लनाधरपल्लवानुर्गं नौमि समल्लीमालं हरेरहल्लीशिवोल्लसितं नारायणाय नमः नारायण नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासमुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणामुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कृत मंद मते हृदयान्तरा बोलो वृंदावन हरे लाल की परम श्री दानकी कौमुदी श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर से कहा, अब श्री ललता जी को वृंदा जी ने चुप कर दिया। पहले वो ललता तुम किसी में मत बोलोगे, मैं प्रिया लाल इन दोनों की आपस में जो बातचीत हो रही है उसको सुनना चाहती हूं। तो युगल का जो वाक कला है उसको श्रवण करना चाहती, इनकी वाक वैदिक थी उनको श्रवण करना चाहती। और श्री प्रियालाल दोनों की वाक विचित्रता वाक वैदिक थी अपूर्व से प्रकट हुई है। श्याम सुंदर एक बात कहते हैं, किशोर जी दूसरी बात, तुरंत बात में बात और जो अलंकार अद्भुत श्लेष उनके अपूर्व प्रयोग वहां पर हो रहे हैं। श्री श्याम सुंदर ने कहा, बोले राधे के तुम्हारे भौं जो हैं वो पासे हैं और उन्होंने तुमको ही दाव के ऊपर रख दिया है, मैंने तुमको जीत लिया है। श्री किशोरी जी कह रही हैं, वो श्याम सुंदर अपनी भौं के सर्प को नचा करके तुम जो अहितुंड का दिखा रहे हो, माने सर्प सपेरे का जो खेल दिखा रहे हो वो सपेरे का खेल चलेगा नहीं, क्योंकि मैं स्वर्णमयी प्रतिमा हूं। सोने की प्रतिमा के ऊपर कोई कितना भी सर्प अपने दांत का प्रहार करे उसके विषदंत का कोई भी असर होने वाला नहीं है। श्री श्याम सुंदर उस समय कह रहे हैं, बोले प्रिय मैं यहां पर तुमको अभी पकड़ता हूं, तुम इस दाव में तुम्हारी भौं ने ही तुमको, तुमने ही तुम्हारी भौं के पासे के माध्यम से तुमको दाव के ऊपर लगा दिया है,
अर्थात तुम स्वयं दूती बनकर के भवों को नचा करके मुझसे मिलने की अभिलाषा प्रकट कर रही हो। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं मानो कि तुम स्वयं दूती बनकर के तुम्हारे भवों नेत्र उन नेत्रों के पासे से तुमने अपने आप को दाब के ऊपर लगा दिया है और मैं अपने धन को अब ग्रहण करने में क्यों सक्षम, ऐसा कहकर के जो श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के श्री हस्त को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, जैसे हाथ पकड़ना चाहते हैं वैसे ही श्री राधिका ललिता से कहती हैं कि अरे ललते किम खल कौतुक कौतूहलम पश्यति, तू क्या खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है, कौतूहल देख रही है, देखिए तेरा मित्र मेरे साथ में कैसी जबरदस्ती कर रहा है, ये चंचलता कर रहा है और तू देखती रहेगी क्या। ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री ललिता जी कह रही हैं आगे आकर के नानी मुखी जी कह रही हैं कि सखे राधे अलम यमुना 195वां परिच्छेद है 195 कि नानी मुखी जी कह रही हैं सखे राधे अनेक कुटुमिते किमेन पला किमेते किमित पलायिष्यति, वो सखी ये जो तू कुटुमित भाव दिखा रही है अर्थात मिलन का भीतर को आनंद और ऊपर से जो निषेध मुद्रा दिखा रही है, अब इसका क्या लाभ है, किम इति पलायिष्यति, क्या तू भागना चाहती है क्या, चिंता मत कर चिंता मत कर। श्री ललिता जी बीच में आगे आए और कह रही है राधिके चिंता मत कर चिंता मत कर, यद्यपि दुर्ललित शीला नाम लुंठका नाम युष्माकं दान करना प्रलाप न खलु वयं कर्ण प्रांते भी अर्पयामः तथापि किमपि भणतुं कामास्मि। ललिता आगे आकर के कह रही है कि श्याम सुंदर आप सभी के दुर्ललित शिवानंद ये जो हाथ बात रोकते हुए फिरते हो, ऐसे जो खट्टीपाल हैं जिनका जो दुर्लभ शील है, दुर्ललित कहते हैं माँ बाप के लाल प्यार में बिगड़े हुए, कोई टोकने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्ति का नाम है दुर्ललित जिनको कोई अनुशासन नहीं है, तो मैया के प्रेम ने दूर करके रख दिया है, नंद बाबा के प्रेम ने तो उनको दूर करके रख दिया है, अरे दुर्ललित ये कहिए आक्षेप के वचन है। तो दुर्ललित शिला नाम बोले अरे जिनका लाल प्यार में जिनको सच्चरित्रता शील इनका कोई भी विचार नहीं है, ऐसे दुर्लभशील वाले तुम सभी के लुंठा लुंठकाना लुटेरे जो है, क्या चुन चुन करके श्याम सुंदर को सुनाई जा रही है, तो ऐसे दुर्लभशील तुम सभी के लुटेरे उनके लिए युष्माकं दान गणना प्रलापम, तुमने अभी जो दान गणना का प्रलाप किया, अभी दान की जो गिनती मधुमंगल ने बताई और उसमें ये जो कहा कि इन गोपियों के दान वो 80 लाख होते हैं, एक गोपी के एक कलसी का कर 16 लाख टका, 5 गोपी हैं तो 16 बन गए 80 और 4 लाख उसमें और बढ़ा दिए गए, घट्टीपाल जो है उनका भी तो टैक्स लगेगा तो उनके हिस्से के 4 लाख को बढ़ा दिए गए हैं, ऐसे 84 लाख। फिर कह रहे हैं वो श्याम सुंदर ये 4 लाख तुम्हारे लिए नहीं है, ये 4 लाख है हम सबके लिए, तुम्हारे साथ में जितने भी चट्टे बट्टे लग रहे हैं ये मधुमंगल सुवर्ण इन लोगों के लिए जो सहायक है इनके लिए 4 लाख और ऐसे 84 लाख।
तो ये गोपियां 84 लाख जितनी भी जीव जाति उन सबों में सर्वोत्तम हैं, और उन सर्वोत्तम होने के कारण इन पांचों गोपियों के एवज में, इन पांचों गोपियों की जामिन में हम राधिका को ग्रहण कर रहे हैं। ये ऐसा कहकर कि श्री राधिका को आप पकड़ रहे थे, तो श्री ललिता जी बीच में आकर के आरोप पूर्वक कह रही हैं कि यद्यप दुर्ललित शिलाना तुम शरीर के लाचार में बिगड़े हुए जो राजकुमार हैं उनके, तुम शरीर के लुटेरा उनके दान गणना प्रलाप खल वयम कर्ण प्रांते, उनकी दान लीला के आप जो दान की गणना कर रहे हो, आपकी जो 84 लाख तोला स्वर्ण मुद्रा है वो जो इनके ऊपर टैक्स लगाया है उसको हम अपने काम में नहीं ला रही हैं, वयम कर्ण प्रांते पे ना आते हमें उसकी ओर हम कोई ध्यान ही नहीं दे रही हैं, ऐसे कहते रहो तुम बोलते रहो, तथापि किमत भणि तुम कामासी, फिर भी उत्तर में एक बात और जो तुम्हारी बात पर हम ध्यान नहीं दे रही हैं, तुम जो गणना कर रहे हो उसको तो एक तरफ रख दो, परंतु फिर भी एक बात मैं कहना चाहती हूं। श्री कृष्ण बोले हाँ कठिन है भंडेदाम भंडेदाम, अभी कठिन ललिता जी से कह रहे हैं, ललिता जी प्रखर है से कह रही है अरे कठिन, हाँ कठिन है कामम भंडेदाम, जो तुमको कहना हो पकना हो कह दो, जो इच्छा रही हो वो खूब कहो, कौन मना कर रहा है। श्री ललिता जी कह रही है कि अमूर ब्रज निरीक्षण चतुर्शीत लक्षाधिका प्रतिस्वम इति कीर्तितम सब ऐसा तवई वामुना इहाप भूमि विश्वता प्रिय सखी महाभेत्यसौ कथम तदप साहसी शत जिगुक्षु एनामसी। वो श्याम सुंदर तुम्हारे सखा ने अभी अभी एक बात कही थी मधुमंगल ने कि सवैसा तवई वान मुना, अमुना माने इस सवैसा माने तुम्हारे मित्र ने ये बात अभी अभी कही थी कि अमु ब्रज मृगेक्षण के ब्रज के ये मृग नयनिया चतुर्शीत लक्षाधिका, ये तो 84 लाख जितनी भी योनियां हैं उनकी सारी प्रमदाओं में सारी सुंदरियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ है, ये बात तुम नहीं कही, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि 84 लाख जो स्त्री जाति हो सकती है 84 लाख योनियों की उन सब में ये ब्रज गोपिका सबकी सब परम श्रेष्ठ हैं, प्रतिस्वम 84 लाख से अधिक होकर के ये विराजमान है, प्रतिस्वम माने उनसे भी बढ़कर के मूर्तिमती होकर के ये विराजमान है, ये अभी अभी तुम्हारे मित्र ने कहा था। इनमें भी मेरी सखी श्री राधिका वो तो महारकार है, उनके तो मूल्य का कोई ठिकाना ही नहीं है, यहां पर भी विश्वता प्रिय सखी महारकार, इनमें भी प्रिय सखी श्री राधिका वो तो अमूल्य महार्ग होकर के विराजमान है, अमूल्य होकर के विराजमान है। कथम तदप साहसी शत जिगृक्षो एनामसी, फिर भी हे साहसी तुम कैसे इन श्री राधिका को ले सकने में समर्थ हो रहे हो। मार्ग का मतलब है कि जहां पराध भी समाप्त हो जाए, संख्या शास्त्र में एक की संख्या के ऊपर यदि 20 बिंदी लगाई जाए तो 20 बिंदी लगाने पर उसे पराध कहेंगे, ये पराध की संख्या माने इकाई तो एक है, जब एक बिंदी आएगी तो दहाई,
फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब या बृंद, संस्कृत में कहेंगे उसे बृंद और हिंदी में उसको अरब, फिर खरब, हिंदी में बोलेंगे खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, फिर उसके आगे जाकर के परार्ध, फिर 10 परार्ध, परार्ध के बाद में फिर 10 परार्ध, फिर 10 परार्ध के ऊपर महापरार्ध, ये गिनती आएगी। माने 20 संख्या यदि लगा दे तो 10 परार्ध आएंगे, और परार्ध आने पर पूर्वार्ध और फिर परार्ध, परार्ध आएगा और परार्ध आने पर उसके बाद में फिर महापरार्ध होकर के विराजमान होगा, महाधा होकर के, महामूल्यवान होकर के विराजमान। अभी तुम 84 लाख पर ही हैं, अभी तो केवल 6 बिंदी आई है संख्या के ऊपर, 6 बिंदी जहां पर आएगी पहली संख्या के ऊपर 6 बिंदी, वो 84 लाख, 5 बिंदी में 1 लाख और 6 बिंदी में, 6 शून्य में ये तो 10 लाख की संख्या पहुंची है। तुमने 84 लाख में इनको श्री राधिका को श्रेष्ठ करके माना, पर मेरी सखी तो परार्ध संख्या से भी परी होकर के महागा होकर के विराजमान, अर्थात दुगनी 20 संख्या जो है, 20 बिंदी, उस 20 शून्यों के बाद में भी आकर आगे की जो संख्या है वो महार्ग होकर के विराजमान है। तो कथम तदप साहसी सज जिगुक्षु एनामसी, केवल 84 लाख की तुलना में 84 लाख के लिए तुम परार्ध मेरी सभी को कैसे रोक सकते हो? बोले जहां पर केवल 9 बिंदी आती हैं, 9 शून्य आती हैं, 9 बिंदु, उसकी जगह 20 से भी अधिक ऊपर की जो संख्या वाली है उसकी फिर आगे गिनती नहीं है, उसकी उसकी उस परार्ध संख्या वाली मेरी सखी को परार्ध से भी परी जो महा अमोघ जो संख्या है, महर्ग संख्या, उस सखी को तुम केवल इतने से छोटे के लिए कैसे रोक सकते हो? 9 अंकों की संख्या के आगे कैसे तुम रोक सकते हो, कैसे रोक सकते हो? तो कथम तब साहसी सठ जिगुक्ष एनाम असी, इनको कैसे रोक रहे हो? श्री कृष्ण उस मन ही मन में कह रहे हैं, भाई ललता ने तो कमाल कर दिया, इसने तो हमको 12 निर्वचनी कर दू, उसने मन ही मन में कह रहे हैं, ऊपर से तो नहीं दिखाएंगे, ऊपर से तो कोई अपनी है, परंतु भीतर श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए और निरुत्तर होकर कह रहे हैं, बोले अरे मैं तो पूरी तरह से निर्वचनीकृत हो गया, मेरी तो बोलती बंद कर दी ललता ने, इसके आगे इसका जवाब क्या दूं? अब जब बोलती नहीं चले तो फिर व्यक्ति क्या करता है? बोले तब बिटंडा करता है, जब तर्क में नहीं जीत पाता है तो फिर वो बिटंडा शुरू कर देता है, झगड़ा हो, गाली गलौज और क्रोध दिखाना हो, किसी दूसरी तरह से दबाने का प्रयास करने लगता है। तो श्री श्याम सुंदर जब उत्तर देने में श्री राधिका को समर्थ नहीं हुए और ललता जी को समर्थ नहीं हुए, क्योंकि राधिका बराबर उत्तर दे रही है, श्याम सुंदर जो भी बात कह रहे हैं उसका उत्तर देते हुए विराजमान है, तो उत्तर में बात बवाल में तो चल ही नहीं, इसलिए जब मौन हो गए उस समय श्री कृष्ण ने बिटंडा फैलाने के लिए जरा सा इशारा किया, कहीं भों नचाई, भों का इशारा किया, और इतने में सखा इधर उधर लगे हुए हैं, तो उन्होंने बड़े जोर से हल्ला और ढोल मजीरा और मृदंग इन सब को बजाना शुरू कर दिया, ओहो हल्ला हो रहा है। श्री कृष्ण मौका मिल गया और मौका मिलते कह रहे हैं, सुवर ओ सुवर केम गंभीर धर्मा भी ध्वनि खोलनी, बोले बड़ी गंभीर रूप से दूर से ये आवाज सी आ रही है, ध्वनि घोरणी, ये ध्वनि की सेना कैसे चली आ रही है, ध्वनि की समूह कैसे,
बाजू का बोलना से सुनाई दे रहा है, काय का बोल रहा है? जब देखो तो सही विदुरत्वा अस्फुटं प्रसरन्ति, दूर होने के कारण काय का हल्ला है ये तो पता नहीं लग रहा है, परंतु बड़े ढोल नचीरे बज रहे हैं और हल्ला सा हो रहा है। मां उच्चार रहे थी, मुझे तो घबराहट सी हो रही है, जाते क्या क्या है? ऐसा कहकर के सुवल के कान में कुछ कहा, ऊपर से तो कहा ये कि हो हल्ला कैसे हो रहा है, और सुवल के कान में लग करके क्या कर रहे हैं, लाला जल्दी से यहां से जा, फटाफट तुरंत दो पत्र का लेकर के, एक आदेश पत्र लेकर के कामदेव महाराज का, चक्रवर्ती महाराज का, उनके नाम से एक आदेश लेकर के यहां आ, तब अपनी जान बच पाएगी, नहीं तो इन ललता के आगे अपनी एक भी नहीं चलने वाली, अपनी कोई भी वस्तु चलेगी नहीं। तो कृष्ण ने उस समय कान में लेकर के ये कहा कि राजा से कहकर के शासन पत्रिका को जल्दी से तुम लाओ, तब जाकर के हम इन गोपियों को दबा सकेंगे। सुवल बोले कि हाँ हाँ भैया सही कह रहे हो, मैं अभी देख करके आता हूं काय का हो अल्लाह। ऐसा कहकर के सुवल उस समय निकले कि इस कोलाहल के प्रभाव को जानने के लिए या प्रभाव को जानने के लिए मैं चल तो उसमें अभी चलता हूं। तब तो मन से व्यवहार पे हो, उस समय श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कठोर भाषी लते भवत भवत्या सही चतुर्शीत लक्षाधिका, अरे कठोर भाषणी ललते, क्या सुंदर विरोधाभास, जो ललित होगी वो कठोर भाषणी कैसे होगी, पर यहां पर दोनों ऑक्सीमोरन बिल्कुल विरोधाभास है, ललित भी है और कठोर भी है, ये दोनों ललता जी में संभव है एक साथ विरोधाभास के, अरे कठोर बोलने वाले ललते भवत भवत्या सही चतुर्शीत लक्षाधिका, माना तेरी सखी चतुर्शीत लक्षाधिका 84 लाख योनियों की सभी प्रमुखताओं में सर्वोत्तम है, माना तुम्हारी सखी राधिका सम्य परम उत्तम है, परंतु तथापि कोटिन ना कंक्षति, फिर भी करोड़ को पार नहीं कर पा सकती है, कोटिन ना ये लाख में तो है परंतु करोड़ में नहीं है, जहां 7 बिंदी आएंगी तब जाकर के करोड़ होगा, 5 बिंदी में लाख और 7 बिंदी में करोड़ संख्या होगा, तो कोटि नातिक्रम क्षति ये करोड़ को पार नहीं कर सकती है, जबकि मैं कोटि को पार करके विराजमान अर्थात 16 कला उन सबों में परम परम निष्णात होकर के विराजमान है, तथा परे कला लक्ष्य स्वाम अवश्यम नागर चंद्रोयम योजिष्यति, इसे तुम करोड़ को पार नहीं कर रही हो, चिंता मत करो मेरे पास में रहोगी, मेरे पास में मैं इन श्री राधिका को लेकर के सेवार्थ इन निकुंज मंदिर में पधरा रहा हूं, मैंने जो गुफा ग्रह तैयार किया है और मैं इनकी जब सेवा करूंगा तो सेवा करने पर ये उस समय कोटि को भी प्राप्त कर लेंगे, करोड़ की संख्या को भी प्राप्त कर लेंगे, करोड़ गुण करोड़ों गुणों से युक्त होकर के विराजमान हो जाएंगी। तो परे रपे कला लक्षण ये आगे भी 16 कला उन 16 कला उनसे युक्त होकर के अवश्यम नागर चंद्रोयम योजिष्यति, इनको भी ये नागर चंद्र 16 से युक्त करके इनको भी 16 कलाओं से युक्त करके अब करोड़ बना देगा, 84 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा करोड़, तो ये करोड़ को प्राप्त नहीं किए हुए हैं,
तो 84 तो है ही है पहले, 84 लाख योनि, अब 84 में 16 और यदि जोड़ दिए जाए तो ये करोड़ की संख्या में पहुंच जाएगी। ये कहने का मतलब है 84 लाख जो है उनमें मेरे साथ में जोड़ेंगे तो मेरी 16 कला भी इनको प्राप्त हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है, क्या सुंदर है ये जो अपूर्व विदग्धता, वो विदग्धता प्रकट हो रही है कि मेरे साथ में इनके रहने पर इनको लाभ ही होगा। अभी तो ये 84 लाख जितनी भी परमदागण है उनसे श्रेष्ठ होकर के विराजमान, परंतु मेरी 16 कला भी यदि इनको मिल जाए तो 16 लक्ष्य माने गुण वाली जो कला है वो इनको प्राप्त हो जाए तो ये 84 और 16 फिर 100 माने करोड़, आगे की जो संख्या है वो करोड़ हो जाएगी। 84 के बाद में 84 लाख के बाद में फिर करोड़ ही आएगा, लाख के बाद में करोड़ ही आएगा, इकाई ढाई सैकड़ हजार 10,000 लाख 10 लाख और फिर करोड़, तो ये करोड़ होकर के ही विराजमान होंगी। अभी 6 बिंदी है फिर 7 बिंदी आ जाएगी और 7 बिंदी होकर के करोड़ हो जाएगी। मेरी 16 कला जो है उनसे, क्योंकि मैं चंद्र हूं ना, तो श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि नागर चंद्र जो योजिष्यति, ये नागर चंद्र 16 कलाओं से इनको युक्त कर देगा। चंद्रमा की 16 कलाओं का वर्णन कृष्ण संदर्भ में, श्री कृष्णचंद्र की जो 16 कलाएं, चंद्रमा की जो 16 कलाएं उनका वर्णन श्री जी गोस्वामी जी ने कृष्ण संदर्भ में श्री कृष्णचंद्र में किया। शब्द कल्पद्रुम में और कृष्ण संदर्भ में, शब्द कल्पद्रुम का ही प्रमाण देकर के कृष्ण संदर्भ में श्री जी गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि चंद्रमा की 16 कला कृष्ण में भी विराजमान है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, उनके नाम वहां दिए हैं जी गोस्वामी जी ने कि अमृता मानता पूषा तुष्ट पुष्टि रतिर धृति दर्शनी चंद्र का कांति ज्योत्ना श्री प्रीति अंगता पूर्णा अपूर्णा अमृता। कला षोडशी स्मृता, ये 16 कला होकर के विराजमान है, ये चंद्रमा की 16 कलाओं के नाम। इनमें कहते हैं 15 कला तो सामने दिखती हैं और 16वीं जो कला है वो शिव जी के पास में, शिव जी के मस्तक के ऊपर। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं तो 15 दिनों में अमावस्या के दिन तो चंद्रमा की कला दिखती नहीं है, परंतु और दिनों में वो माने दोष का जो चंद्रमा है वहां से श्री जगत में दिखते हैं और दो जो कला है वो शिव जी के मस्तक के ऊपर, या एक कला शिव जी के मस्तक के ऊपर विराजमान है। ये तो अमृता माने अमृत प्रदान करना, अमरता प्रदान करना, इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रीगण प्राय चंद्रमा का व्रत करती है अमृतत्व तो प्राप्त करने के लिए, अमृता। फिर मानता सम्मान, फिर पूजा उसमें बल, पूष्मन बल, तुष्टि पुष्टि, रति धृति, फिर दर्शनी, दर्शनी माने शोभा से युक्त होना। ये चंद्रमा की जो कला है वो दर्शनी माने कहीं सुंदर दिखाई देने वाली, जहां अट्रैक्टिव होकर के विराजमान है दर्शनी, वो अपने आप को कहीं दर्शनी शोभित होकर के जो सामने दिखे। फिर चंद्र का कांति, ज्योत्ना श्री प्रीति और रंगदा, रंग माने आनंद, चंद्रमा का अर्थ ही होता है आनंद देना, यथा प्रहलादना चंद्र, जो आनंदित करे उसका नाम चंद्र। अब ये सारे गुण शास्त्र में मिल जाएंगे, चंद्रमा की जितनी भी कलाएं हैं वे सारे गुण श्याम सूत्र में मिल जाएंगे। और पूर्णा और पूर्णामृता, चंद्रमा पूर्ण भी है और पूर्णामृत होकर के विराजमान, तो ये 16 कला होंगी, अमृता मानदा पूषा तुष्टि पुष्टि रति धृति दर्शिनी चंद्र का कांति ज्योत्ना श्री
प्रीति रंगदा पूर्णा और पूर्णामृता। तो मैं इन 16 कलाओं से युक्त करके 84 तो ये है ही है, 84 वृंदावन में श्रेष्ठ और 16 और मिला देंगे तो ये अब कोटि की, लाख से 84 लाख से फिर करोड़ की, कोटि की सीमा को प्राप्त कर लेंगी। इसलिए इनको मुझे ले जाने दो, पधरा करके मुझे इनकी सेवा करने दो, मेरी 16 कलाओं से युक्त होकर के ये परम कोटि सीमा को छूती हुई विराजमान हो जाएगी। श्री भगवान की 16 कलाएं, उनका निरूपण श्री श्रीधरि टीका में कृष्ण संदर्भ में श्रीमद् भागवत में भी वर्णन किया गया। अष्टम स्कंध में जहां देवताओं ने समुद्र मंथन के समय भगवान की स्तुति की, उस समय श्री प्रभु प्रकट हुए और उस समय उनकी कलाओं का दर्शन करके, तेज का दर्शन करके सब की आंखें बंद हो गई। केवल 2 लोगों ने उनका दर्शन किया भगवान के तेज के आगे, एक तो ब्रह्मा जी ने और एक शिव जी। अजित भगवान का जब श्री समुद्र पर देवताओं ने वंदन किया समुद्र मथने के पहले, दैत्यों ने जब पराजित कर दिया देवताओं को, उस समय सब देवता पराजित होकर के ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के श्री समुद्र पर गए और तब भगवान ने देवताओं से कहा कि समुद्र में अमृत है, उसको मथ करके निकालो, बांस की सर्प को डोरी बनाओ, जो मंदर पर्वत है उसको रही बनाओ और मेरी सहायता से तुम अमृत को मथने में समर्थ हो जाओगे। उस समय भगवान का दर्शन देवताओं ने किया, देवता नहीं कर पाए, शिवजी ने और ब्रह्मा जी ने दोनों केवल भगवान का दर्शन किया और उस समय जो 16 कलाएं हैं उनका भी दर्शन किया। ये तो चंद्रमा की कलाएं पहले जो वर्णन की गई, अब श्री कृष्ण के